बहुत गर्म है। थैंक यू, गुड टू सी यू ऑल। आप बहुत ही एक्साइटेड है बर्थडे पर, और उनकी बुक लॉन्च को बताइए कि क्या उद्देश्य है, हालांकि आपने बातें करी, क्या उद्देश्य करना चाहेंगे आप? वो आई थिंक उनकी किताब पढ़कर मुझे लगा कि वो बहुत ही सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी जीती है, एंड आई होप शी कंटिन्यूज टू डू दैट। वो हमेशा जब मुस्कुराती है तो खिलखिलाती है, एंड आई विश हर दैट स्माइल, दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस ऑलवेज। बट कंग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ ओपन बुक। ये थैंक यू। और उनका जन्मदिन भी है आज, सो हैप्पी बर्थडे। या मैं बहुत खुश हूँ कि ये देखकर ये क्या क्या कर लेती है। ये बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं, उनकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आती है? वो किसी भी चीज़ से डरती नहीं है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हर। इसीलिए जो भी करती है अच्छे से करती है। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह ने अपना पोस्ट किया, लोगों में आग लगा दिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे क्या प्रॉब्लम है, पहली बार कोई आदमी ऐसा कर रहा है। हम लोगों को भी आंखें सेकने दीजिए ना। FIR हो गया है और कई जगह कपड़ा भी ऑर्डर किया जा रहा है। शायद उन लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है, तो इसीलिए इन चीज़ों पर वो वक्त गंवा रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो पेपर बंद कर दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए। FIR के चक्कर में क्यों पड़ना है? थैंक यू। अरे अपना पीछे आप यहाँ पे प्रेजेंट क्या कुछ पेश करना चाहिए? आप क्या जो बर्थडे पर He's friends with my wife first, and उनके साथ मैंने काम भी किया है हाल ही में, और इनकी जो जर्नी मैंने एक एज अ दर्शक देखी, एज एन ऑडियंस, एज अ फ्रेंड, एंड नाउ एज अ को वर्कर, क्योंकि पिछले साल हमने एक शो साथ में बनाया था, और अब उनकी किताब मैंने खुद पढ़ी है। आई थिंक सी दिस जर्नी अनफोल्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो होलसम, एंड शी हैज मैनेज्ड टू डू इन योर लाइफ ऑलरेडी। इट इज सो वंडरफुल। आज पहली बार मैंने देखा वो होस्ट नहीं करी, चुपचाप बैठ के शी वाज एंजॉयिंग, you know, basking in the glory of, you know, Vidya talking about the book so beautifully, Varun talking about it, and it fills me with so much pride to see her do this so beautifully. Happy birthday, happy. Thank you. So क्या कुछ साथ में आपका आने वाला है? क्योंकि आपने बताया कि यार मैंने और कुब्रा ने पिछले साल ना एक ऑडियो सीरीज की थी, Mine and Yours, और बड़ा मजा आया था उसमें। तो अगर एक बार काम कर चुके हैं तो फिर मतलब you know, I mean it's just वो फर्स्ट टाइम क्रैक करना ना मुश्किल होता है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद पीपल स्टार्ट सीइंग यू टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग यू टुगेदर। या या सर, कटरीना कैफ को और नो रणवीर सिंह। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो किताब है ना ओपन बुक, इसमें मेरा जो फेवरेट चैप्टर है, actually बहुत सारे हैं, actually there are so many anecdotes, even the one where you speak, where you talk about 2008 coming, like these are clear memories I have. It's so beautiful. Dubai, you got that ticket and you had to, you know, you said you can't make it. Can you imagine that? I was like, wow, man, it felt. So I could relate to it a lot because, you know, I mean, all of us are outsiders to a great extent in this industry, and like proudly so. But to see someone else share so openly and share so generously, I think it's beautiful because it's hard to do that, you know, especially when you've sort of done a fair, you've achieved a fair bit of success. It's very easy to keep it close to your. Yeah, these are my cards. Yeah, but it's. I think it's very pertinent to what I think you've called it open book, and that's exactly what it is. It's so funny. I'm like actually answering your question. I'm like, yeah, yeah. As if someone else wrote the book. I'm like, हाँ, ये किसी और की कहानी है. ये मुझे छोड़ेंगे नहीं दोस्त. क्योंकि लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं जिस तरह की आपने पोस्ट की है. लोग ऐसा कह रहे हैं कि एडिटेड है. यार आज तो ओपन बुक के बारे में बात कर रहे हैं यार. नहीं 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 नहीं, ये क्या पोस्ट है? ओपन पोस्ट भी है तो लोग थोड़ा सा. ये मेरा I'll tell you what. ये मेरा कुब्रा के लिए प्री बर्थडे गिफ्ट था. And since she's liked the carpet so much, I'm going to send it to her. Yeah. लेकिन लोगों का कहना है कि वो पोस्ट और रणवीर सिंह का पोस्ट दोनों सेम है. पता नहीं ऐसे है सच में। इवन आई डोंट नो यार, आई हैव नो आइडिया। एडिटेड है या आई हैव नो आइडिया आप क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, आज